ट्रेंड कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 के हिंदी के एडगेड अभ्यास पुस्तक के पाठ 19 को। इस पाठ का नाम है बच्चों ज्ञानदा की डायरी। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों चलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर। प्रश्न क्रमांक 1 है बच्चों इसका, ज्ञानदा ने अपनी बातें लिखी, तो ये इसने लिखी थी डायरी में। प्रश्न क्रमांक 2 है, टीम रेलवे स्टेशन स्टेडियम ट्रेन शब्द समूह है, तो ये अंग्रेजी भाषा का है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, ज्ञानदा का चयन किस स्तर का टीम के लिए हुआ था, तो इसका उत्तर होगा ज्ञानदा का चयन संभागीय स्तर की टीम के लिए हुआ था। प्रश्न क्रमांक 4 है, ज्ञानदा 2 दिन तक डायरी क्यों नहीं लिख पाई, तो इसका उत्तर है ज्ञानदा 2 दिन तक डायरी इसलिए नहीं लिख पाई क्योंकि वह प्रतियोगिता में भाग ले चुकी थी और वह भोपाल गई थी। प्रश्न क्रमांक 5 है, खून पसीना बहाना मुहावरे का अर्थ लिखिए, तो इसका उत्तर होगा खून पसीना बहाना मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक मेहनत करना। प्रश्न क्रमांक 6 है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 7 है, भोपाल को हॉकी का गढ़ क्यों कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा भोपाल को हॉकी का गढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि भोपाल के कई खिलाड़ियों ने इस खेल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है। प्रश्न क्रमांक 8 है, प्रतियोगिता का आरंभ किस तरह से हुआ लिखिए, तो इसका उत्तर है खिलाड़ियों ने नियम पूर्वक एवं खेल भावना के साथ खेलने की शपथ ली, मुख्य अतिथि के उद्बोधन के बाद प्रतियोगिता का आरंभ हुई। प्रश्न क्रमांक 9 है, कोच ने किस बात के लिए ज्ञानदा की तारीफ की, तो इसका उत्तर हुआ कोच ने ज्ञानदा की सूझबूझ और उसके तत्काल निर्णय लेने के लिए उसकी तारीफ की। प्रश्न क्रमांक 10 है, निम्नलिखित शब्दों दो दो अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए, जैसे आम का बच्चों पहला अर्थ है एक फल है, तो आम लोगों का राजा है, आम फलों का राजा है। दूसरा है सामान्य, आम मतलब सामान्य भी होता है, हमारे देश में आम आदमी भी चुनाव लड़ सकता है, मतलब सामान्य इंसान भी चुनाव लड़ सकता है। कुल का पहला अर्थ है मात्रा, कुल 20 आदमी थे, ठीक है, और दूसरा अर्थ है खानदान, ये उच्च कुल का व्यक्ति है, ठीक। इस तरीके से ये दो दो इसके अर्थ करके हमने वाक्य बना दिए। प्रश्न क्रमांक 11 है, अपने प्रिय खेल पर 10 वाक्य लिखिए, तो मेरा बच्चों जो प्रिय खेल है वो है क्रिकेट, इसके ऊपर मैंने 10 वाक्य लिखे हैं। क्रिकेट भारत का लोकप्रिय खेल है और क्रिकेट विश्व का दूसरे सबसे अधिक लोकप्रिय खेल है। क्रिकेट 2 टीमों के मध्य खेला जाता है, इसकी प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी, जिस टीम का स्कोर सर्वाधिक होता है वह टीम जीत जाती है इसमें। प्रश्न क्रमांक 12 है, अपने जीवन की किसी प्रमुख घटना अनुभव को डायरी में विधा में लिखिए, तो इसका उत्तर होगा एक बार जब हम घूमने जा रहे थे तो हमारी बस का टायर खराब हो गया था, हमें वहीं रुकना पड़ा और कहीं धूप में हम इधर उधर भटकते रहे, फिर हमारी बस का टायर सही हुआ और हम सभी बस में बैठकर खुशी खुशी घूमने गए। तो बच्चों इसी उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।